नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे कुकिंग क्लासी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर मोमोज की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपटी बनके तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। आप इन्हें घर पे बना के तैयार कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो चलो चलते हैं पनीर मोमोज बनाने। पनीर मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले ली है और उसको मैंने अच्छे से छान के ले लिया है। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप आटे से बनाना चाहें आटे से ही बना सकते हैं, लेकिन हम मार्केट स्टाइल बना रहे हैं तो मार्केट में तो मैदे के मिलते हैं। यहाँ पर उसके बाद डाल दूंगी मैं 1 चम्मच भर के इनो और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे हम। तो हाथ की सहायता से मैदा में मैं तो नमक और इनो को अच्छे से मिला लेती हूँ। इनो से क्या होगा, हमारी जो वो है अच्छे से फूल पाएंगे मोमोज, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। पानी मैंने एकदम नॉर्मल ले रही हूँ, गर्म पानी नहीं है, रूम टेम्परेचर, मतलब हल्का सा गुनगुना पानी है रूम टेम्परेचर के। ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं लेना, ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक हार्ड सा डो बना के तैयार कर लेंगे। डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने डो लगा के तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। वैसे हम थोड़ा सा मलेंगे और इसको छोड़ देंगे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मल लिया है और थोड़ा सा मैं इसे और मल लेती हूँ। और इस तरह से अब हम इसे ढक के रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हम बना लेते हैं पनीर की मोमोज की स्टविंग। उसके लिए मैंने गैस पर रखा पैन। अब इसमें ले लेती हूँ मैं घी, ऑयल आप जो चाहे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी लिया है, घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया। उसके बाद डाल देती हूँ इसमें 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। आप हरी मिर्च नहीं खाते स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च को हम अच्छे से पकाएंगे। हरी मिर्च अच्छे से पक गई, इसका डाल देती हूँ इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक 1/2 चम्मच। दोनों चीज़ों को अब अच्छे से हम पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी मोमोज बनके तैयार होते हैं और बनाने में कोई झंझट नहीं है। आप इसे 10 से 15 मिनट में अपने घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेती हूँ, जब तक इन दोनों का हल्के सा कलर चेंज नहीं होता तब तक हम दोनों को पकाएंगे। कलर चेंज हो चुका है तो यहाँ पे अब डाल देते हैं इसमें हम प्याज। तो मैं यहाँ पे 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा कलर चेंज होने तक नहीं पकाना है, बस हल्का सा सोटे करना है। तो दोनों चीज़ों को हल्का सा सोटे होने तक पका लेंगे। इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हमने मैदा में भी नमक डाला है तो देख के नमक डालें। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इसमें 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और ग्रेट करने के बाद मैं इसमें पनीर ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। पनीर में जो पानी होता है हल्का बहुत, उसको हम अच्छे से पकाएंगे। पनीर को लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम सारी रेसिपी को अच्छे से पका के तैयार करेंगे। आपने देख लिया, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत ही झटपटी रेसिपी बनके तैयार होती है पनीर मोमोज की और बनाना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से पकाया है। अब इसके बाद डाल दी मैंने इसमें 1 मैगी स्लाइस, मैगी का जो पैकेट होता है ना, मैगी टेस्ट का, हमने एक उसमें डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगी इसको डालने के बाद भी। तो उसके डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से पकाया है। तो यहाँ पे हमारा ये ब्रेड पेस्ट भी बनके तैयार हो गया, स्टफिंग भी। अब चलते हैं और डो की तरफ। डो यहाँ पे हमारा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डो को अच्छे से चेक करूँगी कि हमारा डो अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं इसे मलूँगी, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा ये फूलता, हमने इनो डाला था, थोड़ा हमारा जो आटा है मैद वो थोड़ा सा फूला होगा, तो हम इसे अच्छे से सेट करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बनके ये तैयार होता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी हम इसकी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं तोड़नी है, छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़नी है। मैं आपको साइज दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेनी है। अब मैं बना बना के एक प्लेट पर रखती जा रही हूँ तोड़ तोड़ के। तो सारी लोइयाँ इसी तरह से बना के आपको तैयार कर लेनी है इसी साइज़ की। आप इसे छोटी भी रख सकते हो अगर आप छोटी मोमोज बना रहे हो, जैसे आपकी साइज रखना है मोमोज का उसके अकॉर्डिंग आपने लोई बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारी लोइयाँ बना के अच्छे से तैयार कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं, आप चलते हैं मोमोज के लिए बेलने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑयल लगा के ना इनको अच्छे से बेल लेती हूँ। तो हमें थोड़ा सा पतला ही बेलना है, ट्रांसपेरेंट दिखे। तो आप देख सकते हैं मेरी जो लोई हमने जो बेला है एकदम पतला बेला है। तो हम इसको हाथ पर ले लेती हूँ और यहाँ पर हम इसमें स्टफिंग भर देंगे।
तो जो हमने पनीर की स्टफिंग बनाई है ना उसको अब इसमें भर देते हैं। तो इसमें 1 चम्मच भर के मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी, या हाथ से भी भर सकते हैं, चम्मच के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं भरना है। अब इसको मैं बंद कर लूँगी, तो एक साइड से उठाते हुए हम इसको बंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे बंद कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है इसे बंद करने में। ये वाला सबसे आसान तरीका है मोमोज बनाने का। तो यहाँ पे मैंने इसे भर लिया है, सारे मोमोज मैंने भर के तैयार कर लिए हैं। तो अब इनके रख देते हैं स्टीम करने के लिए। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है इडली वाला मेकर, तो उसको मैंने स्टीम करने के लिए गैस पर रख दिया है। और उसके साथ ही मैं एक एक करके मैं ऑयल लगा के इनको रख दूंगी। तो यहाँ पे मैं ऑयल इसलिए लगा रही हूँ कि ये मैदा जो है ना चिपक जाती है, तो चिपके नहीं तो ऑयल ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे सांचों में रख देती हूँ, जितनी आपके एक बार में आ जाए उतने आपको ये मोमोज रख देने हैं। तो बहुत ही आसानी से 15 से 20 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें अच्छे से फंसा लेती हूँ, एक एक करके मैंने सारी मोमोज इनके अंदर रख ली थी, तो एक एक करके मैं सबको फंसा लेती हूँ। इसी तरह से आप देख सकते हैं उधर मेरा जो है कुकर है वो अच्छे से उसमें पानी जो था वो स्टीम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसे खोल के इसके अंदर रख देती हूँ। तो मैं 10 से 15 मिनट के लिए उसे अच्छे से स्टीम कर लेना था, तो अच्छे से स्टीम हो चुका है, इसमें रख देती हूँ। इसे 20 मिनट के लिए मैं अच्छे से स्टीम होने दूंगी। 20 मिनट में हमारी मोमोज अच्छे से स्टीम होकर हो जाएंगी तैयार। तो 20 मिनट हो गए, मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हो गई है मोमोज अच्छे से तैयार। तो इनको निकाल लेते हैं, चलते हैं सर्व करने। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व किया है लाल चटनी के साथ। अगर आपको मेरी ये पनीर मोमोज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक